ये जी जो लोग तुर्की इस्तांबुल जाते हैं वो लोग हैं। और ये आज तारीख क्या है शान? आज तारीख है 27, 27 नहीं 28। 28 तारीख है, 2017 है, और मंथ मेरे ख्याल में 4 अप्रैल है ना? पाँच पाँच पाँच। ये सब बेचारे लोग गरीब लोग, ये बहुत सख्त रास्ते हैं, इसमें मौत भी पड़ सकता है इंसान को, और ये बस मौत है। कल रात जब हम तुर्की के बॉर्डर क्रॉस करते थे तो हमारे ऊपर फायरिंग भी हो गया है। कुछ लोग गिरे हैं, कुछ लोग उनको जो पकड़े हैं, और कुछ भाग गए हैं, और कुछ पहाड़ों को क्रॉस कर गए हैं, कुछ लोग पहाड़ों में गिर गए हैं, कुछ बच्चे भी पहाड़ में गिर गए थे, किसके पाँव किसी के हाथ हाथ टूटे टूट हुए। गया। और ये बहुत दुनिया जा रहा है, तकलीफ़ बहुत है, और खुदा के लिए इस रास्ते पे ना आया करे। और हम तो बस पता नहीं किसकी बददुआएं है हमारे पीछे के हम इस रास्ते पे आए, और अल्लाह अब सब मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाए। ये तुर्की का रास्ता है, अभी हम फ़िलहाल तुर्की में हैं, बॉर्डर के साथ साथ जा रहे हैं। ये हम गाड़ी के तरफ जा रहे हैं, तकरीबन 3-4 घंटे का रास्ता है। यहाँ पानी का बहुत मसला होता है, इंसान मर चार दिन सकता से दिल्ली है। से जा रहे हैं, चार दिन खाने का मसला होता है, खाना नहीं मिलता है, और नींद का मसला होता है। अगर मैं आपको नमाज कहूँ कि जो हम आए थे, तकरीबन आज हमारा 10वां दिन है, और हम तुर्की में एंटर हुए, और 10 दिन में हमने नींद नहीं किया है, ना रात में ना दिन में, और ना खाना खाया है। बस एक दिन खाना खाया था, बाकी बस इसी तरह कभी क्या खाया कभी क्या खाया, और कुछ नहीं है। ये तुर्की के पहाड़ है, अभी भी बर्फ़ है, और हमारे पाकिस्तान पिशावर में जो है इस वक्त सख्त गर्मी है। ये देखो बर्फ़ पड़े हुए हैं, ये दुनिया रही है पीछे आगे, बहुत से लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं इसमें, औरतें भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। ओ उस पहाड़ पे भी कुछ औरत जा रहे हैं, और अल्लाह खैर करे। चलो बस कोशिश करे कि कोई भी इस रास्ते पे आता है तो उनको बचा ले, और हमारा मैसेज है सबको कि इस रास्ते पे ना आए प्लीज़ प्लीज़। अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी हो किसी को, अल्लाह हाफिज़।